कल्याण के ऐतिहासिक ईदगाह पर हजारों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। इमाम साहब ने देश में अमन और शांति बहाली के लिए दुआ की। हर साल की तरह कल्याण के ऐतिहासिक ईदगाह पर हजारों की संख्या में मुसलमान भाइयों ने ईद की नमाज अदा की। कल्याण पश्चिम के मुस्लिम इलाकों के अलावा कल्याण पूर्व के सूचक नाका, नेतौली, चक्की नाका, पत्रीपुल, आनंदवाड़ी, कुलसेवाड़ी, नांदीवली, वाल्दोनी, शहाड़, मोहना से भी मुस्लिम भाइयों ने आकर नमाज अदा की। एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। पुलिस प्रशासन द्वारा बढ़िया इंतजाम किया गया था। इस मौके पर कल्याण जोन 3 के DCP सचिन गुंजाल, ACP कल्याण जी घेटे, CP दत्तात्रेय शिंदे, सीनियर PI सूरज सिंह गौड़ उपस्थित थे। ईद की नमाज के मौके पर यातायात को कोई बाधा न पहुंचे, इसका खास ख्याल रखा गया था। ईद की नमाज इमाम साहब जुएल डॉन ने पढ़ाई। नमाज के बाद उन्होंने देश में अमन, शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए विशेष रूप से दुआ की। इस मौके पर मजलिस मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हाजी शरफुद्दीन करते, पूर्व उप महापौर जावेद जौन, काशिफ ताकी आदि उपस्थित। पुलिस प्रशासन द्वारा मान्यवरों को पुष्प देकर उनका स्वागत किया गया। पुलिस प्रशासन ने सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद भी दी। सर्वांना ईदच्या शुभ दिवसाच्या फार फार शुभेच्छा। तमाम जो है वह शहर के हमारे हरियाणे कल्याण को ईद की पुरखलू जो है वो मुबारकबाद। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल फित्र की मुबारकबाद पूरे मुसलमानों को और इस अहले वतन को। मैं कहना चाहूँगा हमारे सदर साहब शरफुद्दीन करते साहब और हमारे जितने ट्रस्टियान हैं मजलिस मुशावरीन मसादिक वफाक की जानिब से ये पूरा इंतजाम हुआ है। उनकी वजह से हमारे जो एक्स कॉरपोरेटर काशिफ तांगी साहब, इसने भी हमारे लिए बहुत मेहनत की है। मैं चाहूँगा इंशाल्लाह हमारे जितने बड़े अल्लाह उनके हमको रहबरी बना। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का माहौल था ईद का, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से नमाज हुई और दुआएं हुई अहले वतन के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह।